नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 2 नगर निगम फरीदाबाद के। यहाँ पर स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ से पूछेंगे कि लगभग 5 साल का कार्यकाल होने को आया सभी पार्षदों का नगर निगम फरीदाबाद का, अब इनके यहाँ वार्ड में कितने विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा के पार्षद है सभी जगह, अब कितना पार्षद काम कराते हैं, कितने विधायक काम कराते हैं, लोग बताएंगे अपने आप। जी, क्या नाम बताइए आपका? सरोज। काम हो रहे हैं आपके वार्ड में? भगत जी कुछ नहीं है रहा, काम कुछ नहीं है रहा, भगत जी जाने हमें क्या पता, हम किसी को नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। नाम क्या जी आपका? रेखा। कहाँ रहते हैं आप? ये जनता कॉलोनी में। आपके यहाँ वार्ड में जो काम हो रहे हैं वो कौन कराता है? हमारे यहाँ वार्ड में काम रवि भगत जी करवाते हैं। हाँ जी। पार्षद आते हैं कभी? कभी नहीं आए, हमने पार्षद देखा ही नहीं है कौन है हमें क्या मतलब? एक एकड़। बोलो बोलो, कोई नहीं। कौन है आपके पता है क्या? वो प्रियंका चौधरी ऐसे ही कुछ है शायद। अच्छा। बाकी हमने कभी देखा ही नहीं है, वो आज तक आए ही नहीं है वो। अच्छा, आपने कभी पार्षद कभी नहीं देखा? हमने आते हैं बस। आप बताओ जो बोलो। खाली वोट लेने आते हैं भाई, यहाँ वैसे आते नहीं है भैया। हमारे तो जिंदगी से भगत जी रहे, हम तो आधी रात को इनके पास आते हैं, यही हमारे काम आते हैं, हमें किसी मतलब नहीं है। पानी, सीवर, लाइन, जो भी हमारा काम है सारा हमारा भगत जी करते हैं, और हमें इनसे मतलब है, हमें बाकी किसी से मतलब नहीं है। कोई पार्षद है कुछ है, साल में एक बार शक्ल दिखाते, दोबारा शक्ल नहीं दिखाते। यहाँ का जो वार्ड 2 के पार्षद वो कभी आते नहीं क्या? कोई नहीं आता भाई। प्रियंका चोपड़ा एक दिन आई, दोबारा नहीं आई है, कोई नहीं आता, चाहे भूरा हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा, चाहे कोई हो भाई। यार हमने भूरा भाई की थोड़ी दूरी दूरी खड़े हो जाओ। 99% जनता क्रोनी, 99% जनता क्रोनी के बंदे जो भी हैं वो किसी को जानते नहीं, पार्षद देखी नहीं हमने। नहीं, आप पार्षद को नहीं जानते? पार्षद आप पार्षद नहीं जानती यहाँ पे? आई नहीं कभी, पार्षद जानती ना। अच्छा। कभी देखा हमने उसको? और ये हम बात किसी के कहने पे नहीं कह रहे, हम अपने मन से कह रहे हैं, हमारा सबसे बढ़िया भगत जी हमारे लिए, बाकी कोई नहीं है। हम अपने दिल से कह रहे हैं ये बात, कोई ये नहीं हमें किसी ने चढ़ाया सिखाया कुछ नहीं, सारी जनता भगत जी के संग है, सारी जनता। मैं कुसुम शर्मा हूँ, और आज लो हमने पार्षद को देखा ही नहीं है, पार्षद बना कौन है कौन नहीं बना। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? हम इसमें जनता कॉलोनी नंबर 2 वार्ड में। अच्छा, तो आप अपने पार्षद? मेरी सड़क पास भी नहीं हुई थी जो हमने वहाँ लगवाया, लड़ गुत के भगत जी ने मेरे वहाँ पे कीचड़ रह, भगत जी ने ही करवाया। अरे अब नीचे नीचे नहकर पैर के पूरे चमासों में भगत जी पानी में सबका गटर खुलवाते फिरे हैं। भगत जी कौन है, क्या नाम है? रवि भगत है, हमारी कॉलोनी में रहते हैं, उन्हीं वो उन्हें ही बुलाते हैं, पूरी जनता कॉलोनी उन्हें ही जानती है। अरे भूरे को फोन करते तो भूरे कह देता है अभी मैं तो बाहर हूँ, मैं तो कहीं और हूँ, इसी तरह करता। भूरा कौन है? भूरा पार्षद है यहाँ का। मेरा नाम सिमरन है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी तकलीफें हुई हैं, पानी है, गटर है, सीवर है, जो भी है, रवि भगत जी करवाते हैं यहाँ पर पार्षद। समस्याओं को दूर करवाते हैं। मतलब कभी भी आधी रात को भी अगर हम इनके पास जाएंगे तो यही करवाएंगे हमारे यहाँ की समस्या। पार्षद का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है, ना ही वो कभी आते हैं। सर ऐसा है, समस्याएं तो रोज ही आती है, अभी बारिश का समय आता है या कभी भी कोई भी टाइम आता है ना, तो यहाँ पे कभी भी पार्षद के पास तो कोई आज तक, पूरी कॉलोनी में 1600 मकान है, कोई भी एक भी आदमी पार्षद के पास नहीं गया होगा। पार्षद आपके पास आते हैं क्या? कभी नहीं आए सर। पार्षद तो प्रियंका चौधरी है वार्ड नंबर 2 से, लेकिन वो आज तक नहीं आई। 5 साल पहले वो आई थी लास्ट, जब वो वोट मांगने आई थी, उसके बाद नहीं आई है। भैया हमारे यहाँ जो पार्षद है वो कभी भी नहीं आई है, वो हमने जब से वोट दिया है, जब से वोट हुआ है उसके बाद हमने उन्हें देखा नहीं, वो है कौन। नाम सुना था खाली, पोस्टर में देखा था कि प्रियंका चौधरी है, बाकी हमने उन्हें देखा नहीं, यहाँ कभी नहीं आई है। जो भी काम है रवि भैया करवाते हैं बस। तो अभी एक बात आओ, अगर रवि भगत मान लो निगम का चुनाव लड़ेंगे, हाँ जी, और मान लो उन्हें भाजपा टिकट नहीं देती है, हाँ जी, तो आप भाजपा के साथ रहेंगे रवि भगत के साथ रहेंगे? रवि भगत के साथ रहेंगे, हम तो पिछली बार भी रवि भगत के साथ ही, रवि भगत के साथ रहेंगे, कुछ भी मिलो रवि भगत के साथ रहेंगे, जान से दिलदार ऐसे करते हैं, मन धन से रवि भगत। हम रवि भगत के साथ हैं पहले से भी, अब से भी। पहले भी हमारे यहाँ पानी भरता था, इतना पानी भरता था हम बहुत परेशान थे, अब हमारी इस कॉलोनी में पानी भी नहीं भरता। रवि भगत जी सारा काम कर देते, हम उन्हीं के साथ साथ रहेंगे जी, हमारे साथ देते हैं, इसी वजह से साथ देंगे। आप थोड़ी दूर दूर खड़े हो जाओ, थोड़ा पीछे से आप दिखाओ, ये सभी लोग आ जाए, जो सामने सभी आ जाए, जो कहना चाहते हैं वो सामने आ जाए, जो नहीं कहना चाहते वो अपने बेशक साइड में चले जाएं। देखिए आप सभी देख लीजिए कैमरे की नजर से, आप दूर से, मैं आपको सभी को दिखाने का काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोग, हम जनता कॉलोनी वार्ड नंबर 2 नगर निगम फरीदाबाद स्थित, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ की महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हुए हैं। इन्होंने कहा सीधे सीधे तौर पर कि भाई हम पार्षद को नहीं जानते, कौन है पार्षद यहाँ का? पार्षद को साल में एक बार आ जाता है। 5 साल में नहीं देखा हमने,
हमेशा ही जनता कॉलोनी देखा ही नहीं हमने। हम तो अभी भागा था जाने भागा वो बताओ उससे पहले 2017 हाँ वही नहीं है ना बिल्कुल नहीं आता यहाँ कह रहे कि यहाँ पार्षद आते ही नहीं आप देखते रहे आवाज है जी क्यों हमारे काम ही नहीं करता। मैं आज तक उन्होंने नहीं पूछा कि हमारा कोई काम हमारा नहीं हुआ है। गटर भरते हैं यहाँ पे कमरों में पानी और हमारा काम नहीं आ गया था। हमारे रवि भैया खड़े होंगे तो हम तो उन्हीं के संग रहेंगे तन मन से भैया हम उन्हीं को जिताएंगे और देते भी चले। हाँ पानी का बताओ आ जाओ आप भी बता दो। हेलो सुनिए उसका महिलाएं किसी दबाव में कह देती है आप लोग बोलो जी भैया आपके वार्ड में कुछ काम हुए हैं एक तो ये बताएं दूसरा हुए तो किसने कराए हैं। हमारे वार्ड में जो काम हुए हैं वो रवि भगत जी ने कराए हैं और कोई काम ऐसा नहीं है जो अभी यहाँ ना हो रहा हो। काम सभी लगभग काम पूरे होने वाले हैं सब जो जो रह गए हैं वो होने वाले हैं और उन्हीं के थ्रू होते हैं। पार्षद जो यहाँ के हैं क्या उन्होंने काम नहीं कराया क्या आपके यहाँ? ऐसे जी पार्षद की हमें जरूरत नहीं पड़ी अगर लोग जाते तो करवा भी देते शायद वो जब क्योंकि यहाँ रवि भगत जी हैं उन्होंने काम करा दिया तो किसी को वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो आते हैं कभी पार्षद आपके यहाँ? वैसे आते हैं मतलब पार्षद साहब का ऐसे है कि हमें नीड तब पड़े जब यहाँ पे हमारे काम रुक रहे हो। जब कमान रवि भगत जी को दे रखी है तो हमारी कोई भी मुद्दा होता है हम रवि भगत जी के पास लेके आते हैं और वो काम करवाते हैं। वो नौबत तब आएगी पार्षद के पास जाने की जब यहाँ से हमारा काम ना हो रहा हो। ये महिलाएं कह रही हैं सभी के पार्षद तो हमारे यहाँ कोई आते ही नहीं आते हैं ऐसी बात नहीं है। अगर चक्कर देखो जो पार्षद है कहाँ आते हैं बताओ जो जो मेरी बात सुनो ऐसे रेगुलर तो आते नहीं है कि तुम बोलो कि रेगुलर आते हैं लेकिन कभी जैसे मंत्री साहब वगैरह आए कुछ है गेट टुगेदर है तो आ गए तो उनके साथ तो हमने देखा है तो नहीं आई है ठीक है ना। अदरवाइज वैसे वो खुदा तक नहीं आई जी कौन नहीं आया जो यहाँ के पार्षद है जी नाम ना उनको देखा तक जो काम कर भगत जी कराते सर ऐसा है आज तक जो कॉलोनी में डेवलपमेंट हुई है पिछले 5 सालों में और दबा के हुई है पानी नहीं रुकता बिजली का घर घर पहुंची पड़ी है समझ लो जो गलियों में बिजली नहीं होती थी वो पूरे पूरे बिजली पहुंची पड़ी है। पानी का काम हो गया निकासी का काम हो गया ट्यूबवेल लग रहे हैं और बीजेपी क्या क्या कर लेगी सर जी। और मैं मेरा सुनिए हमारा सवाल ये है कि आज नगर निगम लगभग कार्यकाल समाप्त होने को आया सभी पार्षदों का नए पार्षद चुने जाएंगे जब आप जब इलेक्शन घोषित होंगे। अब 5 साल के कार्यकाल के आप लेखा जोखा देख लीजिए कि पार्षद ने आपके यहाँ काम कराए हैं नहीं कराए एक तो सवाल ये है। दूसरा आप लोग कह रहे हैं कि कोई भगत है वो काम कराते हैं आपके यहाँ देखो तो पार्षद ने कराए हैं भगत ने काम कराए पहले तो हमारे यहाँ पे जो हम अप्रोच करते हैं वो रवि भगत जी को करते हैं। भूरा जी के पास अप्रोच करने का हमें बाद में पार्षद जी के पास जाने का मौका मिलता है वहाँ भी जाते हैं और वो यहाँ भी आते हैं। अल्टीमेटली जो मतलब महामंत्री जी की कृपा से मंत्री जी काम कर रहे हैं मंत्री जी की कृपा से ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन होता है ना मंत्री महामंत्री। सुनिए ये महिलाएं कह रही हैं कि पार्षद तो कभी आते नहीं रवि भगत कराते और आप लोग कह रहे हो जी पार्षद इनका कहने का अभिप्राय है इनका अभिप्राय ये है कि जो मैडम है प्रियंका चौधरी जो हमारी पार्षद है वो नहीं देखे जैसे टिकट पे जो हमारी पार्षद खड़ी हुई थी इनका कहने का मतलब वो पार्षद तो आज तक हमने 5 साल में नहीं देखा हम क्यों गलत बोले। जो पार्षद है मुद्दा ये है कि जिनकी सीट है वो आज तक इस कॉलोनी के अंदर नहीं आए जो आप गुस्से मत और आप आपने ये कहा है एक सेकंड पुरुष ये कह रहे जी कभी कभी उनके जो प्रतिनिधि हैं सुनो उनके प्रतिनिधि हैं जो वो कभी कभी आते हैं और आप लोग कह रहे जी कभी आते नहीं। मैं कह रही अब जो पार्षद है वो आते ही नहीं कभी भी मैं बोल रही हूँ ये बात लिख कर बोल रही हूँ मैं। क्या नाम आपका? कुसुम शर्मा। लेडीज को कोई अगर लेडीज को अगर प्रॉब्लम होगी तो वो उनसे मिलना चाहती है ना देखना चाहती है। हम भी तो देखा हूँ लेडीज पार्षद है कौन हमने तो आज देखी ही नहीं है। जो अवेलेबल है वो आज तक हमारे कॉलोनी में नहीं है। आप लोग महिलाओं के कहना है कि हमारी जो पार्षद है महिला पार्षद है महिला शक्ति है उन्हें हम देखना चाहते हैं कि हमारी पार्षद है कौन कैसी है ऐसे ही कह रहे हो क्या? हाँ जी कभी जीत के आई नहीं है भूरे खड़ा हो जाए जो हमारी लेडीज पार्षद बनी पड़ी ना अगर आज उनके इनके बीच में खड़ा कर दिया जाए ना लेडीज पार्षद को तो हमारे कॉलोनी के जो वासी है वो उनको पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे प्रेजेंट टाइम की पार्षद रह चुकी है। चलिए वार्ड दो के जो कुछ महिला और पुरुष दोनों ये कह रहे हैं कि अगर हमारी महिला पार्षद हमारे बीच में आकर खड़ी हो जाए तो शायद हम उन्हें पहचान भी ना पाए कि कौन है क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में वो हमारे पास कभी आए नहीं है लेकिन उनके प्रतिनिधि समय समय पर आते रहते हैं जो कि भूरा ये नाम बता रहे हैं भूरा के पार्षद है वो तो खड़ा हो जाएगा सुसर है उसका
भूरा कोई पार्षद थोड़ी है, वो तो सुसर है, वो आके खड़ा हो जाए। घर में अगर कोई प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा था वो कर सकता, कुछ भी नहीं करता वो, आके खड़ा हो जा। भगत के बगल जो पार्षद है, आप एक बात आओ, आप सुनो सुनो, आपका राशन कार्ड है मान लो, और आपके घर में से आपकी जगह कोई और राशन ले आए तो कोई बुराई नहीं थोड़ी मिलता है? मिलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मिलता नहीं है? मैं नहीं मिलता, वो तो गवर्नमेंट ने रूल ही ऐसे कर दिए भैया, नहीं मिलता। हमें कोई तकलीफ होती है, पानी भरता है, पानी नहीं आता, हम रवि भैया के पास आते हैं, रवि भैया करवाते हैं, लेकिन आज तक हमने, हमारे पास पार्षद ने नहीं पूछा ना कि तुम्हें तकलीफ क्या है, वो आके हमें बताया तो सही कि हमें तकलीफ क्या, हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। अब हम इतनी दूर 25-30 सेक्टर कहाँ जाए उनके पास, हमें क्या मतलब उनसे, हमें तो अपने रवि भैया से मतलब, हम तो इनके पास आते हैं, कदम दूरी पर है, और मिट भी हमारे आगे खड़े भी हो जाते हैं सामने आकर। चलिए आप सभी हाथ उठा करके बताए कि आने वाले समय में आप लोग किसे चुनेंगे? एक सेकंड, चलिए आप सभी देखिए कि लगभग 20 से 25 व्यक्ति ये होंगे लगभग, और आसपास के लोग खड़े हैं। एक सेकंड, जनता कॉलोनी में हम खड़े हैं इस समय, और इन्होंने कहा है कि हम अगर अब की बार मौका मिला तो रवि भगत को चुनने का काम करेंगे, जो कि क्योंकि इनकी समस्याएं से वो पहले से इन्हें निवारण कराते आए हैं समस्याएं। इन्होंने कहा है कि हमें ज्यादा कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हम जो भी समस्या है वो रवि भगत के पास जाते हैं लेकर, वो ज्यादातर समय पर समस्या का निवारण करा देते हैं। दूसरा इनकी एक शिकायत है महिलाओं की, खासकर कि अगर महिला शक्ति को पार्षद बनाया गया तो कम से कम उनके बीच इन्हें आना चाहिए, पार्षदों को इनके बीच आना चाहिए पिछले 5 वर्षों में, लेकिन अगर वो नहीं आए तो ये जनता कॉलोनी के लोग खुद, ये जनता कॉलोनी के लोग कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, हम इन बातों को बिल्कुल समर्थन नहीं करते, पॉजिटिव न्यूज किसी बात का समर्थन नहीं करता है। अच्छा आपके मंत्री कौन है, मंत्री जानते हैं आपके इलाके के मंत्री कौन है? हमारे मूलचंद शर्मा जी आते हैं, वो काम बहुत बढ़िया करवाते हैं, उनसे ही तो जीत रहे हैं, मूलचंद शर्मा जी से तो बहुत बढ़िया करवाते हैं, बहुत बढ़िया, कोई भी शिकायत लेके गए काम करवाते हैं, जो हमारा काम होता है हम इनको बोलते हैं, वो मंत्री जी से बोल के सारे काम हो रहे हैं। देखिए मूलचंद शर्मा की तारीफ कर रहे हैं, मंत्री हैं जो कि बल्लौड़ विधानसभा से विधायक है, उन्होंने कहा भाई मूलचंद शर्मा बहुत अच्छे से काम करा रहे हैं, अच्छी बात है सभी। चलिए एक बार हाथ उठाकर सभी दोबारा से बता दें, आपके यहाँ काम हुए हैं, वार्ड 2 में विकास कार्य हुए हैं? अच्छा, चलिए आप सभी जुड़ रहे हैं। दूसरा, कहीं कोई किसी वार्ड में समस्या हो किसी प्रकार की तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर जरूर रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जा सकते हैं।